नमस्कार दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम राहुल है। राहुल को हम राहुल कम भोजन भट्ट के नाम से ज्यादा जानते हैं। उसका कारण ये है कि वो खाने के बहुत शौकीन हैं और एक बार में बहुत ज्यादा खा जाते हैं और किसी को कभी बख्शते नहीं हैं। जब भी कभी उनके साथ लंच या डिनर किया जाए, वो खा पी के चुपचाप वहाँ से खिसक लेते हैं। हर बार बिल हमें भरना पड़ता है। एक बार हम तीन मित्रों को उन्होंने अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। हमने सोचा चलो आज अगली पिछली सारी कसर दूर कर देंगे। हम तीनों बड़े परफ्यूम लगाकर बन ठन कर उनके घर पहुंचे तो उनके घर पर कीर्तन हो रहा था। जब 2-3 घंटे बाद कीर्तन खत्म हुआ तो सबको प्रसाद बांटा गया, हमें भी प्रसाद मिला। हमने थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लिया कि हम भोजन करेंगे। बहुत जोर से भूख लगी थी। सारे मोहल्ले के लोग धीरे धीरे जाने लगे। हम चुपचाप बैठे थे कि शायद मोहल्ले के लोगों के जाने के बाद हमें भोजन दिया जाएगा। इस बात में 1.5 घंटा बीत गया। भोजन आता देख हमारे एक साथी ने उनसे पूछ लिया कि भोजन कब मिलेगा। इस बात को सुनकर भोजन भट्ट जी बोले, भोजन? कैसा भोजन? मैंने तुम्हें भोजन पर नहीं बुलाया था, मैंने तो तुम्हें कीर्तन में बुलाया था। तुम लोगों ने शायद ठीक से सुना नहीं। तो हम मंगवाली है, हम भोजन को भोजन बोलता है, शायद आप लोगों ने ठीक से सुना नहीं होगा। हम तीनों मित्र एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। खैर वहां से निकले, लेकिन भोजन भट्ट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भोजन भट्ट अपनी बात से मुकर गए थे। हमने रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर खाना खाया और घर पहुंचे, क्योंकि घर जाकर पत्नी को बताना ये कोई अक्लबंदी नहीं थी। हमें बहुत सारे ताने सुनने को मिल सकते थे, लेकिन हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि इस भोजन भट्ट को सबक जरूर सिखाएंगे। अगले दिन हम जब भोजन भट्ट से मिले तो उन्हें इतवार के दिन अपने घर आने का निमंत्रण दिया और साथ में जोर डालकर ये कहा कि आपको भोजन पर आमंत्रित किया जा रहा है, हम गलत फहमी में नहीं है, आपको भोजन पर आना है। अब भोजन भट्ट तो इस बात से खुश हो गए। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी पी कर काम चला रहे थे, क्योंकि इतवार के दिन उनकी दावत जो थी। भोजन भट्ट खाने के बहुत शौकीन थे। अब भोजन भट्ट को जब 2-3 दिन भूखे रहने के बाद इतवार का दिन आया तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, मुझे साइकिल से उनके घर से लेने आ जाना, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद इस स्थिति में नहीं होऊंगा कि अपने आप आ सकूं। तब उनके पुत्र ने कहा ठीक है, मैं ले आऊंगा। उन्होंने उसको टाइम बता दिया। अब भोजन भट्ट हमारे घर आए। भोजन भट्ट बहुत प्रसन्न थे, लेकिन जब भोजन भट्ट हमारे पास आए तो प्लान के मुताबिक मेरी पत्नी ने उनसे कहा कि भोजन तो हमने बताया था, लेकिन कुत्ता जूठा कर गया। भोजन भट्ट के तो होश उड़ गए, सारा भोजन कुत्ता जूठा कर गया तो अब खाए कैसे। खैर वो दूसरे मित्र के यहाँ पहुंचे। हम तीनों मित्रों ने उनसे अलग अलग ये कहा था कि हमारे घर दावत है, हमारे घर दावत है, हमारे घर दावत है। मेरे यहाँ का नंबर तो पूरा हो गया। मैंने तो उन्हें बिना खाए अपनी पत्नी से प्लानिंग करके रफू चक्कर कर दिया। अब वो मेरे दूसरे मित्र के पास पहुंचे। दूसरे मित्र की पत्नी ने भी उनके आते ही प्लान के मुताबिक कहा, अरे मैं बाजार जा रही हूँ, खाना वाना मेरे बस का नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और वो उनके सामने ही वहां से निकल गई। बेचारों को पानी तक नहीं मिला। भोजन भट्ट से रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि 2 दिन से भूखे थे। अब उन्हें तीसरे मित्र की याद आई। वो हमारे तीसरे मित्र के पास पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो देखकर उनके होश उड़ गए। वो बेहोश होकर छत से रुड़क गए, क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा था कि आज खाना नहीं बनेगा, मुझे पहले ये साड़ी दिलाओ तभी खाना बनेगा। ये सारी बातें भोजन भट्ट के सामने हुई थी। भोजन भट्ट जैसे होश उड़ गए हो, भोजन भट्ट बेहोश हो गए। तभी उनका पुत्र वहां पहुंचा, क्योंकि वो टाइम के मुताबिक उन्हें लेने आया था। भोजन भट्ट को छत पर रुड़का हुआ देखकर किसी तरह साइकिल पर लाद कर वो अपने घर ले गया। पूरे रास्ते भोजन भट्ट बड़बड़ाते रहे कि कहां तक तीन दोस्तों ने दावत दी थी, मगर एक ने भी खाना नहीं खिलाया। ये भोजन भट्ट की जो मुफ्त खोरी की आदत थी ना, उसका सबक देना उसे जरूरी था। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए, ये कहानी हमें ये बताती है। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत लोगों के लिए गलत व्यवहार कोई बुरा नहीं होता, उनको सबक मिलना ही चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।